गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आइंस्टाइन के इक्वेशन पे। आप सब जानते हैं दोस्तों, आइंस्टाइन का इक्वेशन ऐसा है कि kmax इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। यानी कोई एलिमेंट को आप एनर्जी दोगे तो उसमें से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही जब यही सारी चीज लेके मैं आपके लिए आया हूं दोस्तों, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट यानी 8 नंबर का न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी बोलो तो फॉर्मूला रेडी, kmax इज इक्वल टू e माइनस फाइ नॉट। अब kmax का स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ev नॉट, यहां पे दोस्तों आप सब जानते हो hf, यहां पे दे लो hf0, h न्यू भी बोल सकते हो। EV नॉट वैसा का वैसा, H को कॉमन निकाल दो, F माइनस F नॉट। दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो यही चीज रेडी रखो, डिवाइड करो। चलो काम करो दोस्तों, फटाफट वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, चलो ये लिख दी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, यानी ये लिख दी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों में से F ये रहा 8.2, 3.3, मैंने क्या किया 10^14 को कॉमन निकाल दिया। तो अब मैं सिंपली करूं तो 6.625 इनका सब्ट्रैक्शन 4.9 1.6, ये हो जाएगा -20 +90। यानी सबको मैं ऊपर ले गया, सेट कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.03 वोल्ट। और हमारे पास ये पूरा न्यूमेरिकल परफेक्टली सेट हो गया। यही चीज दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बोलूं कि आप ट्राई करने के लिए, मैं आपको जो बोल रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.5 इंटू 10^14 हर्ट्ज, और जो मैं दे रहा हूं 8 इंटू 10^14 हर्ट्ज, तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करो। ये रेड मार्कर आपको ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट, यहां पे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो सर रेडी हो जाओ kmax का ही फॉर्मूला, kmax इज इक्वल टू e माइनस फाइ नॉट। अब बच्चों इसको इधर लाओ तो फाइ नॉट इज इक्वल टू e माइनस kmax। अब क्या हो रहा है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया hf0, एनर्जी का फॉर्मूला hf, और इसका हाफ mv स्क्वायर। बच्चों मेरे को चाहिए f नॉट, यानी f नॉट को मैं सब्जेक्ट बनाऊं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो मैं ये पूरा का पूरा टर्म वैसा मैं सब जगह h से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया h h कट। यानी f नॉट इज इक्वल टू, बोलो f की वैल्यू क्या थी दोस्तों, तो 7.21 इंटू 10^14 हर्ट्ज, ये 1/2 वैसा का वैसा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10^-31। वेलोसिटी दोस्तों इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 10^10। प्लैंक कांस्टेंट आप सब जानते हो 6.625 इंटू 10^-34। दोस्तों ये सारी वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 4.47 इंटू 10^14 हर्ट्ज। बोलो मेरा ये न्यूमेरिकल भी रेडी, ये भी रेडी। अब दोस्तों इसमें अगर मैं कोई थोड़ा डेटा चेंज कर दूं तो क्या होगा। दोस्तों यही न्यूमेरिकल मैं थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूं, जो मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं वो 8 × 10^14 हर्ट्ज। वेलोसिटी दे रहा हूं Vmax, उसे मैं लिख रहा हूं 5 × 10^5 मीटर पर सेकेंड। तो आप हमारे लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। ओके, तो मैंने एक करवाया, हर जगह ऐसा किया, एक करवाया एक ट्राई करने दिया, एक करवाया एक ट्राई करने के लिए दिया, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, आर्गन लेजर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको वर्क फंक्शन, तो चलो रेडी हो जाओ फिर से, क्या था फॉर्मूला, kmax इज इक्वल टू e माइनस फाइ नॉट। दोस्तों यहां पे फाइ नॉट को सब्जेक्ट बनाओ तो e माइनस kmax, e की वैल्यू आप लिख सकते हो hc बाय लैम्डा, kmax को स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखो तो ev नॉट,
अब देखो मजा ये आने वाला है, h की वैल्यू 6.625 इंटू 10 रेस टू माइनस 34, c की वैल्यू ये लैम्डा 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 ये रहा तो 488 नैनोमीटर यानी 10 रेस टू माइनस 9 माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, ये दोनों वैल्यू रेडी। तो इसका पूरा कैलकुलेट करो और मेरे लिए वर्क फंक्शन फाइंड करके लाओ, क्या आएगा 3.46 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 जूल। कोई बोले नहीं सर आपको तो इलेक्ट्रोवोल्ट में जाना है, तो ये चीज को वैसा का वैसा डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। दोस्तों सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो आपका आ जाएगा 2.16 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हो जाए ट्राई करने के लिए, चलो यही चीज अगर मैं लैम्डा ले रहा हूं 550 नैनोमीटर, ओके स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट मेरा 0.4 वोल्ट है दोस्तों, तो आप वर्क फंक्शन फाइंड कर। चलो सेम स्टाइल ट्राई करने के लिए दिया है मैंने आपको सिंपल न्यूमेरिकल। दोस्तों जब भी लैम्डा दिखाई दे तो एनर्जी फाइंड करो एच सी बाय लैम्डा। 6.65 इंटू 10 रेस टू माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेस टू 8। दोस्तों लैम्डा आपका दिया है 589 नैनोमीटर यानी 10 रेस टू माइनस 9। वैल्यू पुट कर दोगे दोस्तों तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, ये पूरा कैलकुलेट कर दो 3.38 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 जूल। अब दोस्तों मजा की बात यह कि अब आपको P दिया है, P का मतलब दोस्तों पावर, आपको पावर दिया है 100 वॉट। तो याद करो फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू NE, मतलब N इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एनर्जी। सर पावर आपने दे दिया 100 वॉट तो 100 वॉट को लिख दो, ये हो गया 3.38 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स दोस्तों आपके मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेस टू 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। देखो दोस्तों सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने रख दिए, प्लीज इसको अच्छे से देख लो, रेडी कर दो, इसमें से ज्यादातर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं आइंस्टाइन के फॉर्मूला वाले।